दोस्तों नमस्कार। तो दिलीप ट्रॉफी का मुकाबला यहाँ पर इंडिया ए जीत गई है। टेबल टॉपर थी यहाँ पर इंडिया ए, और इसी वजह से इस दिलीप ट्रॉफी के टूर्नामेंट को अपने नाम कर पाई है। मयंक अग्रवाल कप्तान थे इंडिया ए के, और इंडिया ए का परफॉर्मेंस भी खूब रहा क्योंकि 12 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। पॉइंट टेबल की बात करें, इंडिया सी दूसरे नंबर पर रही 9 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद इंडिया बी 7 पॉइंट और इंडिया डी 6 पॉइंट। और यहाँ पर मयंक अग्रवाल की टीम यानी कि इंडिया ए इस दिलीप ट्रॉफी की विजय रही। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस देखें आज के मैच की, तो रियान पराग ने 73 रनों की पारी खेली है। वहीं सशवंत रावत जिन्होंने पहली इनिंग में 124 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 53 रन का आंकड़ा यहां पर खड़ा किया। गेंदबाजी की भी बात करें तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाई, आवेश खान ने 2 विकेट चटकाई और तनुष कोटियान जो लगातार हर इनिंग में विकेट लेते आ रहे थे उन्होंने भी यहां पर 3 विकेट चटकाई। आपको बता दें कि अंशुल कंबोज जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी में। तो अंशुल कंबोज को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है क्योंकि 16 विकेट छटकाई यहाँ पर अंशुल कंबोज ने, और इनका बेस्ट रिकॉर्ड जो आप देखेंगे, बेस्ट आंकड़ा इनका आप देखेंगे, 69 रन देकर 8 विकेट यानी कि 69 for 8 विकेट। यहाँ पर इस परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है। अब मेगा ऑक्शन की बारी है, इस बार आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होना है और मेगा ऑक्शन में देखने को ये मिलेगा कि क्या डिमांड रहती है अंशुल कंबोज की, क्योंकि मुंबई के खेमे में रिटेंशन को लेकर काफी दिक्कत आने वाली है। वहां सूर्य कुमार यादव होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, तो रोहित शर्मा होंगे, तो इतनी सारी टेंशन के बीच यहां पर अंशुल कंबोज का नाम आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर ये ऑक्शन टेबल पे आएंगे तो ये बवाल मचा सकते हैं क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने अंशुल कंबोज ने निकाली है यहां पर, अब देखेंगे तो मुकेश कुमार ने भी यहां पर 4 विकेट लिए है और साथ में नवदीप सैनी ने भी लिए है 3 विकेट। इससे पहले देखेंगे तो उन्होंने पिछली इनिंग में 5 विकेट चटकाई थी, यहां पर नवदीप सैनी ने 3 विकेट चटकाई है। तो जो गेंदबाजी क्रम है भारत का वो अलग ही तरह से आग उगल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल टीम में तो वहां आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप दिलीप ट्रॉफी में देखेंगे तो वहां पर मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप सिंह का आप जिक्र किया हमने, तो 6 विकेट लिए जनाब ने एक ही इनिंग में। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही अर्शदीप की, सबके धुएं उड़ा दिए पाजी ने, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप के गेंदबाज थे, काफी इंपॉर्टेंट गेंदबाज थे, वर्ल्ड कप में बुमराह का साथ दिया, मोहम्मद शमी की अनअवेलेबिलिटी में आए थे और वहां से आए तो क्या खूब आए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस यहां पर अर्शदीप की निकली है तो यहां पर डिमांड तो अभी इनकी हुई होने वाली है आगामी आईपीएल में, क्योंकि आप ध्यान रखिए 2025 में मेगा ऑक्शन है आईपीएल का और खिलाड़ियों को रिटेन करने की होड़ में अब अर्शदीप ने भी अपना प्रबल दावा रखा है, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि क्या बोली लगने वाली है, क्या कीमत होने वाली है इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हालांकि अभी तक भारत के लिए खेलने का यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों का सपना मात्र सपना रह गया, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप ने झंडे गाड़े हैं आगामी आईपीएल की रिटेंशन के लिए। और देखा जाए तो वहां पर सबसे छक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने संजू सैमसन जी हैं, 8 छक्के लगाए दिलीप ट्रॉफी में और ये हाईएस्ट छक्के हैं, यानी कि इंडिविजुअली ये देखें तो 8 छक्के हाईएस्ट छक्के हैं किसी खिलाड़ी के लिए, और संजू सैमसन ने इसमें अव्वल दर्जे के खिलाड़ी के निकले हैं और अपने नाम ये उपाधि करी है। और इसी के साथ ईशान किशन की परफॉर्मेंस में एक गिराव आया, क्योंकि अभी तक ईशान किशन का करियर लगातार शतक बनाए जा रहे थे, बूची बाबू में शतक लगाया, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में आया, दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाया, लेकिन उसके बाद पारी को थोड़ा सा विराम दिया गया ईशान किशन की, क्योंकि पहली पारी में 5 रन बना पाया और दूसरी पारी में मात्र 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो यह था पूरा लेखा जोखा बताते हुए कि इंडिया ए यहां पर विजयी रही है, मयंक अग्रवाल की लीड की हुई टीम यहां पर विजयी रही है, और यही था पूरा आकलन, पूरा लेखा जोखा अभी तक ट्रॉफी के मुकाबले का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।